आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में पहुंचा मानसून, भारी बारिश से कई मार्ग बंद, गर्मी से राहत। हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों पर एस्मा का डंडा, कंपनी को वैकल्पिक व्यवस्था करने के आदेश। शांता कुमार के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। हिमाचल में अब हेड कांस्टेबल भी कर सकेंगे चालान। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही, बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहां से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा के साथ साथ बीएससी, एमसीए, एमएससी, बीबीए और एमबीए के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में बुधवार को मॉनसून ने दस्तक दे दी। किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा और शिमला जिला में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। सोलन, ऊना व बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों में भी मॉनसून पहुंचा है और इन जिलों में अगले 48 घंटे में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। विभाग ने अगले 5 दिन तक प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। इससे पहले मंगलवार शाम शुरू हुई बारिश से जहां चंबा जमुहार मार्ग भूस्खलन से बाधित हो गया, वहीं हमीरपुर में सुजानपुर जंगलवैरी सड़क भी यातायात के लिए 3 घंटे बाधित रही। यही आलम प्रदेश के दूसरे कई क्षेत्रों में भी था, जहां बारिश से मार्ग अवरुद्ध रहे। पालमपुर के पंचरुखी में तो कई घंटों तक विद्युत आपूर्ति भी बाधित रही। हालांकि प्री मानसून की दस्तक से जनता को प्रचंड गर्मी से राहत भी मिली है। सोलन में बुधवार को दिन भर बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके चलते किसानों बागवानों ने राहत की सांस ली है और मैदानी इलाकों में लोग धान की रोपाई में जुट गए हैं। दूसरी ओर विभाग का मानना है कि अगले 3 दिन तक प्रदेश में जमकर बारिश होगी। 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना महंगा पड़ गया है। सरकार ने इन कर्मचारियों पर एस्मा लगाने की गाइडलाइन जारी कर दी है। यही नहीं, सरकार ने सेवा देने वाली कंपनी को भी वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कह दिया है, ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं और प्रभावित ना हों। मांगे मनवाने के लिए 4 जिलों सोलन, सिरमौर, चंबा और शिमला के एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चल रहे हैं। सड़कों पर उतरे प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट एम्बुलेंस कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने की बजाय कंपनी की ढीली कार्यप्रणाली को बढ़ावा दे रही है। कर्मियों ने दो टूक कह दिया है कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक लिखित में उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन नहीं मिल जाता। सांसद शांता कुमार के घर का घेराव करने पहुंचे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। कार्यकर्ता केंद्र सरकार के 4 साल का हिसाब लेने पहुंचे थे और शांता कुमार के घर के बाहर पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते दोनों में झड़प हो गई। संसदीय क्षेत्र के युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार हर मुद्दे पर असफल रही है। दूसरी ओर शांता कुमार ने कहा कि चुनाव सामने हैं, लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की सीट इस समय कांग्रेस के पास है, फिर भी बाहर से आए हुए गिने चुने लोगों का शोर शराबा करना कांग्रेस की खस्ता हालत को दर्शा रहा है। तो मेरे मुंह से निकला कि बहुत शोर सुनते थे हाथी की जनता, तो देखा तो रस्सी से घंटी बंधी थी। देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना, ये चुनाव की तैयारियां हो रही है और कुछ नहीं। इनके पास हमसे पूछने के लिए कुछ नहीं है। 4 साल में पूरे देश में इतने बड़े काम हुए हैं, लेकिन अब कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, इसलिए वो आ रहे हैं। यहाँ कुछ देर ठहर के कुछ बताते हैं, तो
ये तो एक तमाशा इनका है। और सबसे बड़ी बात है कि पालमपुर जैसे स्थान पर स्थानीय लोग, स्थानीय प्रमुख नेता ना हो और अधिकतर लोग बाहर के हों, तो ये इससे पता लग जाता है कि कांग्रेस की हालत देश में क्या है। हिमाचल में अब ऑनरेरी हेड कांस्टेबल भी नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों के चालान कर सकेंगे। पुलिस विभाग ने इन जवानों को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। पुलिस मुख्यालय से इस बारे में सभी जिलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अधिक से अधिक कार्रवाई हो सकेगी। इससे पहले इन कर्मियों को चालान करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। इनके सामने यदि अब तक कोई ट्रैफिक नियमों को तोड़ता था तो वे उन वाहनों का चालान नहीं कर पाते थे। कई मामलों में उन्हें हेड कांस्टेबल या इससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारियों को बुलाना पड़ता था। इन अधिकारियों के उपलब्ध ना होने से कई बार वाहनों को मजबूरी में छोड़ना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना का लाभ जनता तक पहुँचने लगा है। हिमाचल से सिरमौर की श्यामा देवी को 2 लाख रुपए योजना के तहत सीधे खाते में मिले हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना का लाभ पाने वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। सिरमौर के पौंटा साहिब की श्यामा देवी भी मोदी से बात करने वालों में शामिल थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि कुछ समय पहले उनके पति का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा करवाया था, जिसकी राशि उन्हें 1 महीने के भीतर मिल गई। श्यामा देवी ने बताया कि वह इस राशि से मकान के लिए लिया कर्ज भर सकेंगी। प्रधानमंत्री ने श्यामा देवी से योजना के तहत आसपास के लोगों व रिश्तेदारों को भी बीमा योजना के विषय में जागरूक करने का आह्वान किया। कितने समय में आपको पैसे मिल गए? 1 महीने में मिल गए थे जी। कितने मिले? 2 लाख मिले जी। 2 लाख रुपए मिल गए। तो घर में बच्चों वगैरह सबको मालूम था ऐसी योजना है कि फिर ये बैंक वाले आकर के आपको दे गए? नहीं सर, मेरे भाई गए जी बैंक में, फिर बैंक वाले ने बता दिया था जी। तो उन पैसों का उपयोग क्या हुआ फिर? सर हमने लोन ले रखा था, हाउस लोन सर, फिर उसमें एडजस्ट। तो इस मुसीबत की घड़ी में एक मदद हो गई आपकी। देखिए, आपने सब लोगों को बताते रहना चाहिए, देखिए भाई इस योजना का लाभ लीजिए, आपको श्यामा देवी जी को कैसे मदद मिल गई ये लोगों को पता चलेगा। नशे के कारोबारियों के खिलाफ छेड़े विशेष अभियान के तहत बुधवार को कांगड़ा जिला की ठाकुरद्वारा पुलिस ने बकराडवा गांव में ब्यास नदी के किनारे अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने मौके पर हजारों मिलीलीटर कच्ची शराब नष्ट करने में सफलता हासिल की, लेकिन तस्कर जरूर मौके से भाग गए। शराब तैयार करने वाले तस्करों ने ब्यास किनारे उथले पानी में लगभग 8 लोहे के ड्रमों में कच्ची शराब छिपा कर रखी थी। इस कार्रवाई में फिलहाल किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। सूचना मिली कि वहाँ पर किसी ने जो है अवैध लॉन जो है लगाई हुई है, जमा कर रखी है, तो हमने मौके पर जाकर स्थानीय लोगों के साथ वहाँ जाकर उसको डिस्ट्रॉय किया और माल को अपने कब्जे में ले लिया, ड्रम खाली ड्रम वगैरह को कब्जे में ले, उसके बारे में भी तलाश जारी है कि यहाँ पर कौन धंधा करता है, उसके खिलाफ जो है पता चली करने पर जैसे ही पता चलता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप की फुटबॉल लीग के दूसरे सीजन के लिए हिमाचली फुटबॉलरों ने हुंकार भरी। बुधवार को पिछली चैंपियन कौटिल्य हमीरपुर हीरोज टीम के लिए बॉयज स्कूल हमीरपुर के मैदान में ट्रायल हुए। इस दौरान 40 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों ने हमीरपुर टीम में एंट्री के लिए अपना दावा पेश किया। ट्रायल में कौटिल्य हमीरपुर टीम की मालकिन शिवानी त्रेहन शर्मा मुख्य अतिथि रहीं। उनके साथ विशिष्ट अतिथि सुनील शर्मा व हमीरपुर पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य घनश्याम मौजूद रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। दिव्य हिमाचल लिए मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हम आगे जाके खेल सकें। बड़ी बार 5 स्टेट लगाया, 1 नेशनल लगाया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये दिव्य हिमाचल एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए जहाँ के खिलाड़ी को आगे जाने के लिए बहुत अच्छा मौका है, और ये दूसरी बार दिव्य हिमाचल का आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने भाग लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने अच्छा खेले और आगे सिलेक्शन भी हो कर। मैं हिस्सा रहा हूँ, तो जो वहाँ पे अरेंजमेंट किए गए थे दिव्य हिमाचल की तरफ से वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही हाई लेवल के थे। मुझे इस बार इससे भी बढ़िया दिव्य हिमाचल की लगता है कि इससे भी बढ़िया
अरेंजमेंट करेंगे और ये लीग जो है पहली लीग से भी ज्यादा सक्सेस होगी। कौटिल्य हमीरपुर हीरोज, ये नाम पूरे हमीरपुर में नहीं बल्कि पूरे हिमाचल में फैल गया है। दिव्य हिमाचल द्वारा करवाए गए फुटबॉल लीग 2017 में हमारी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और विनर कप अपने नाम किया। आज फुटबॉल टीम के ट्रायल्स थे जिसमें खिलाड़ियों का जोश देखने लायक था। वे लोग अपनी जगह टीम में पक्की करने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और पूरे जोश के साथ इस बार भी वो फुटबॉल लीग का विनर कप अपने नाम करेंगे। और अब चलते चलते चौपाल के कराटी बनमोल में कार गिरने से दो सगे भाइयों की मौत, दो घायल। गग्गल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान में आई तकनीकी खराबी, उड़ान रद्द। पौंटा के कपोटा में स्वास्थ्य विभाग ने पकड़ा फर्जी डॉक्टर, बिना लाइसेंस कर रहा था उपचार। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं नरेंद्र रंजन की आवाज में यह सिरमोरी लोकगीत। छोड़े चुप के कुछ ना जान दो, छोड़े रो ना जान दो, सुनी कुंबली ए मेरो परी जा को देऊ, 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 ए मेरो परी जा को देऊ। सागरी साड़िए जौराज बसो ऊंचो फुलू खांदो मर्दो मणु बोइंदो पानी आगुड़े आगुड़े जांदो आगुड़े आगुड़े जांदो आगुड़े आगुड़े जांदो आगुड़े दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहां से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमटेक, बीफार्मा, डीफार्मा, एमफार्मा के साथ साथ बीएससी, एमसीए, एमएससी, बीबीए और एमबीए के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।